आप सबको नमस्कार। आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मंत्रिमंडल के कॉलीग्स अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनके डिपार्टमेंट के बारे में, और जो 9 साल सरकार ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और आज मैं डिजिटल इंडिया के बारे में आपके सामने एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन रखूंगा कि 9 साल में हमने कितना दूरी, एक तरह से हाउ फार वी हैव ट्रेवल्ड इन द 9 ईयर्स। और इस प्रेजेंटेशन का टाइटल है, मेरे हिसाब से काफी अप्रोप्रिएट है, लॉस्ट डेकेड टू इंडिया टेकेड। और लॉस्ट डेकेड जब मैं कहता हूं, मैं 2004 से 2014 का जो यूपीए सरकार का जो एक टर्म था या दो टर्म्स थे, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं लॉस्ट डेकेड। एंड जो पिछले 9 साल और आने वाले दशक के बारे में मैं कहता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फ्रेज कॉइन किया है, इंडियाज डेकेड। आजकल दुकानों का एक तरह से वो फ्रेज बहुत चला है, मोहब्बत की दुकान वगैरह वगैरह, और ये फॉरेन ट्रिप्स में हमारे जो प्रोलिफिक टूरिस्ट हैं, फॉरेन ट्रैवलर हैं, उन्होंने कॉइन किया है फ्रेज मोहब्बत की दुकान। अगर हम 2014 से 14 के बारे में यूपीए के टेक्नोलॉजी स्पेस को देखें, उसके लिए एक मोर अप्रोप्रिएट फ्रेज होगा भ्रष्टाचार की दुकान, करप्शन की दुकान, और इफ यू प्रिफर दुकान। और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो 10 साल में थे टेक्नोलॉजी के दुनिया में, क्रोनी लेंडिंग, क्रोनी कॉन्ट्रैक्ट्स, 2G स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एंड वेल्थ, इन्वेस्टर्स जैसे टेलीनॉर, एतिसलात, MTN, नोकिया भारत को छोड़कर भाग रहे थे। अगला सही। और BSNL 2004 में 6 बिलियन डॉलर के वैल्यू प्रॉफिटेबल कंपनी था, उसको इस लॉस्ट डेकेड में इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड लेड वेस्ट एंड एन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वेल्थ एज दिस स्लाइड शोज। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने अचीव क्या किया इस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में आई, और पहले उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि जो सालों से दशकों से एक नरेटिव था कि हमारे जो पब्लिक स्पेंडिंग में करप्शन लीकेज होता था, और आप ये फेमस फ्रेज जानते ही हैं कि राजीव गांधी ने कहा लेट 80s में कि हर 100 रुपए जो दिल्ली से निकलता है गरीबों के नाम, गरीबों के लिए 85% उसका लीक होता है, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑन प्रायोरिटी यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग DBT, उन्होंने एकदम 180 डिग्रीज उसको बदला। और आज जब 100 रुपीज निकलते हैं दिल्ली से, 100 रुपीज पहुंचते हैं बेनिफिशियरीज के अकाउंट में बिना लीकेज, बिना करप्शन, बिना मिडलमैन। और ये मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजी का प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के दौरान एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, जिसने डेमोक्रेसी और गवर्नेंस और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट बनाने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जस्ट टू गिव यू एन ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ हाउ मच मनी हैज बीन डिलीवर्ड थ्रू दिस DBT फ्रेमवर्क बाय नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट, द टोटल एस्टिमेट्स आर 29 लाख करोड़। और इसका जरा आप सोचिए, अगर वो 85% लीकेज आज भी होता,
ये 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ वुड हैव लीक्ड। तो यही डीबीटी के बारे में हमारे चिदंबरम साहब ने राज्यसभा में ही मॉक्ड इट, ये कहीं होगा नहीं, गरीब के पास अकाउंट नहीं होंगे, हो नहीं सकता। और आप सब देख चुके हैं कि राज्यसभा में उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल जायंटिज्म को दिखाते हुए इस पूरे इनिशिएटिव को उन्होंने मॉक किया था। और आज भारत के लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या उनके लाइफ में बदलाव लाया है। एक मैं पर्सनल एनेक्डोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दी पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज एम्पावर्ड इंडियंस। रिसेंटली ड्यूरिंग जस्ट बिफोर नागालैंड इलेक्शंस मुझे जाना हुआ जुनीबोटो डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। 8.5 घंटे का एक तरह से बाय लैंड ट्रैवल टाइम था और मैं वहां पर गया और सुबह कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ जब मैं मिला, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग के पास आधार हैं और जनधन योजना अकाउंट्स हैं। पूरे के पूरे 100%। कितने लोग डीबीटी रिसीव करते हैं? 100%। तो ये इसलिए मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इवन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और जहां पर उन्होंने 50 साल तक किसी मिनिस्टर को या मिनिस्टर के विजिट को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, मैं पहला मिनिस्टर था वहां पर, वहां का विजिट करने के लिए गया था मैं, और उनको भी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एम्पावरमेंट का एक्सपीरियंस वहां तक भी पहुंचा। नेक्स्ट, आई विल क्विकली फ्लिप थ्रू सम मोर स्लाइड जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ द चेंज। 9 साल में क्या हुआ है? 2014 में हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट अनकनेक्टेड देश थे और आज हम बने हैं लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर द सिंगल लार्जेस्ट प्रेजेंस ऑन द ग्लोबल इंटरनेट टुडे, व्हेन इन 2014 वी वर द सिंगल लार्जेस्ट अनकनेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, दिस इज अगेन अ स्लाइड दैट यू विल, वी आर amongst the highest consumers of mobile internet and data, and we have the lowest prices in data anywhere in the world. ये भी 9 साल में हुआ है। Next, एक जमाना था इंडिया में, मैं भी आई वॉज ऑल्सो एन ऑन्टरप्रनर दोज डेज, 2G के जमाने में, 3G के जमाने में, जहां पर हर कॉम्पोनेंट वॉज इम्पोर्टेड। और अब जब हम टेलीकॉम के बारे में बात करते थे, लास्ट डेकेड में इंपोर्ट डिपेंडेंसी, 2G स्कैम्स, जीरो लॉस, इन्वेस्टर का दौड़ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ये था कैरेक्टरिस्टिक, ये था सिचुएशन लास्ट डेकेड में। और आज फास्टेस्ट 5G रोल आउट, हाई डिग्री ऑफ इंडिजिनस 5G कॉम्पोनेंट, 700 डिस्ट्रिक्ट में 8 महीने में 5G का रोल आउट हुआ है। और जैसे एक टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर ने कहा है, नो फस, नो फॉलो अप, नो रनिंग अराउंड द कॉरिडोर्स, नो टॉल क्लेम्स। ये है बदलाव 9 साल में। नेक्स्ट, मैंने जैसे कहा, वी आर द लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन इन द वर्ल्ड टुडे अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और कनेक्टिविटी ही नहीं, उनका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव भी है कि इंटरनेट में सेफ्टी और ट्रस्ट भी हो, हमारे डिजिटल नागरिक सेफ हो इंटरनेट में, और इंटरनेट को कोई कंट्रोल ना करे, कोई भी कमर्शियल प्राइवेट एंटिटी, और एक तरह से अकाउंटेबिलिटी हुक भी हो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे डिजिटल नागरिक की ओर। इसका कॉन्ट्रास्ट मैं करना चाहता हूं यूपीए के टाइम के साथ, जहां पर उन्होंने 2008 में आईटी एक्ट को मॉडिफाई किया था, अमेंड किया था उन्होंने, और उन्होंने सेक्शन 79 का प्रावधान लाया था जहां पर कोई भी बिग टेक प्लेटफॉर्म्स को प्रोसिक्यूट करने का या उनको एक तरह से ब्लैंकेट इम्यूनिटी देने का काम यूपीए ने किया था। और हम
प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने उस एसिमेट्री को और इस इम्यूनिटी को हमने बदलकर अकाउंटेबिलिटी लाया है और आज देश में कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं से भी हो, फॉरेन हो, इंडियन हो, उनको हमारे आईटी रूल्स और आईटी एक्ट के तहत डिजिटल नागरिक को की और अकाउंटेबिलिटी एक तरह से मैंडेटेड है। नेक्स्ट, ये भी जस्ट साइन ऑफ इनोवेशन और जो टेक्नोलॉजी बना था डीबीटी और सरकार और बेनिफिशियरीज के साथ एक ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो बना है एक ट्रस्टेड इकोसिस्टम फिनटेक का बहुत बड़ा दुनिया, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। टू कंटिन्यू दैट पॉइंट, इंडिया इज टुडे द प्री एमिनेंट नेशन इन द वर्ल्ड, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के मल्टीलैटरल एजेंसीज कह रहे हैं, दुनिया दूसरे देश कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा जो गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट, गवर्नेंस में रिफॉर्म, गवर्नेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लेके आए हैं, उसको इंडिया स्टैक के रूप में एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना है जो आज भारत G20 के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों को ऑफर कर रहे हैं और करते हैं। और जून 12 और 13 को पुणे में एक ग्लोबल डीपीआई समिट है जहां पे विश्व के सभी देश जो डिजिटल गवर्नेंस में रुचि ले रहे हैं वो आएंगे और इंडिया स्टैक का एमओयू इंडिया स्टैक के साथ कोऑपरेशन का वो एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु फॉलो द इकॉनमी, और आजकल बहुत कुछ कहा जा रहा है अबाउट द इकॉनमी। दीज आर फैक्ट्स, दीज आर नंबर्स फ्रॉम आरबीआई। डिजिटल इकॉनमी भारत का एक तरह से बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और जो 3.5% था ऑफ द टोटल जीडीपी इन 2014, आज 10% से ज्यादा हो गया है, और 2025-26 तक उम्मीद यह है कि डिजिटल इकॉनमी एज द परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी विल बी ऑलमोस्ट 20%। द नंबर्स आर देयर, द टारगेट इज 1 trillion बाय 2025-26। 6-6.5 crore हो गए टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द डिजिटल स्पेस बाय 2025-26, एंड इट इज द फास्टेस्ट क्रिएटर ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द इकॉनमी। नेक्स्ट, ये मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस, आई विल नॉट रिपीट इट टू मच। वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड विद द नेक्स्ट with not just innovation and startups but creating intellectual property at a pace unprecedented in the history of India, patents, trademarks, copyrights. So we are building not just startups, we are not building just scale, but we are also creating deep intellectual and technological capabilities in the last 9 years. Next, ये भी आपने देखा हुआ है, ऑन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द लास्ट 9 years। नेक्स्ट, टेलीकॉम में अगेन मुझे ज्यादा कहना नहीं है टू एक्सेप्टिंग टू रिपीट कि हम एक जमाने में प्री 2014 टेलीकॉम का हर पुर्जा, हर कंपोनेंट, नेटवर्क का हर पीस वॉज इम्पोर्टेड, और आज हम देश में काफी सारे कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क आर बीइंग डिजाइन्ड, बिल्ट एंड इंटीग्रेटेड इनटू आवर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स। नेक्स्ट, 2014 में जब डिजिटल इकोनॉमी की बात किया जाता था हमारे बारे में, देश के बारे में, इंडिया के बारे में, इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू आईटी एंड आईटीईएस। मोटा मोटा हम दुनिया का बैक ऑफिस के नाम से जाने जाते थे, और आज 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के कारण
वी आर इन एवरी स्पेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी. देर इज नो पीस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, दैट इंडिया, इंडियन इनोवेशन, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडियन कंपनीज आर नॉट पार्ट ऑफ. वो एआई हो या क्वांटम हो, सेमीकंडक्टर्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वेब थ्री हो या कंज्यूमर इंटरनेट हो, हर जगह पे, हर स्पेस में भारत का रोल है. एंड इन अ लॉट ऑफ वेज इंडिया इज नाउ अमंगस्ट द लीडिंग नेशंस टू शेप द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी थैंक्स टू द लास्ट 9 years ऑफ हार्ड वर्क बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट. नेक्स्ट. इसके लिए हम एक मॉडर्न लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी लेके आ रहे हैं ताकि हमारे जो डिजिटल इकोनॉमी के एम्बिशंस हैं उसके लिए मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लॉज भी हों और हमारे डिजिटल नागरिक के प्रोटेक्शन भी हो. नेक्स्ट. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, इसके बारे में कभी कभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नए सदस्य रघुराम राजन लॉन्चेस इनटू दिस कॉन्वर्जेशन. उसका एक मॉरल ऑफ स्टोरी है, जिस बात पर आपका कुछ ज्यादा नॉलेज ना हो उसके बारे में बात ना करें तो यू एम्बेरस योरसेल्फ लेस. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ 2014 के लेवल से 25-26 तक 24,00,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चर होगा देश में और हो रहा है, हम उस पाथ में हैं. जो 2014 में इस कैटेगरी के प्रोडक्ट मोबाइल फोन में हम 80% से ज्यादा इंपोर्ट करते थे, आज हम लगभग 100% देश में बनाते हैं. और 2014 में इसका एप्पल का या सैमसंग का या कोई इंडियन ब्रांड का कोई एक्सपोर्ट होता नहीं था और आज हम पिछले साल 1,00,000 करोड़ से ज्यादा हम मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट कर चुके हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ये मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट. जैसे मैंने कहा, दिस इज एन इनोवेशन इकोनॉमी दैट इज क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज क्रिएटिंग जॉब्स. इट इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. नेक्स्ट. और हम इनोवेशन के साथ साथ डिजिटलाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट और दुनिया के देशों के लिए एक तरह से ट्रस्टेड सोर्स ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हैं. नेक्स्ट. ये इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पे कि लास्ट डेकेड में जहां पर हमने बीएसएनएल जैसे हमारे क्राउन ज्वेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनका वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दिया था, 6-7 बिलियन डॉलर का जो कंपनी था 2004 में उसको टोटली लॉस मेकिंग उन्होंने बना दिया है. और हम एक तरह से इंपोर्टिंग नेशन थे 2014 में, हर पुर्जा हर कंपोनेंट वाज इंपोर्टेड. टुडे वी आर लीडिंग द चार्ज इनटू 5G एंड 6G. नेक्स्ट. कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट, लेकिन ये जो ट्रेंड है इसको डिफीट करने के लिए एक दो स्टेट अभी भी हैं. कल या परसों एक आर्टिकल आया है कि केरला ने उनका एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क उन्होंने बनाया. देश में फाइबर ऑप्टिक बनता है, फाइबर ऑप्टिक इक्विपमेंट बनता है, मेड इन इंडिया कंपनीज हैं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया उनको चाइना से खरीदना है और उसके बारे में काफी एक एक्सपोजे भी हुआ है केरल में. मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फोकस उन्होंने किया है उससे बहुत हमें डोमेस्टिक कैपेसिटी और डोमेस्टिक कैपेबिलिटी भी हमने बनाया है. वेयर इज इंडिया स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड टुडे इन टेक्नोलॉजी एंड वेयर वॉज इट कम्पेयर टू 2014? मैं कुछ भी बोलूं आप कहेंगे मैं मंत्री हूं, मुझे मेरा काम ही है थोड़ा बढ़ा के कहना, लेकिन वी आर टुडे एट अ स्टेज वेयर द वर्ल्ड इज पार्टनरिंग विद इंडिया. एक और ईयू के साथ हमने टेक्नोलॉजी ट्रेड काउंसिल का एक पार्टनरशिप बनाया है. दूसरी ओर अमेरिका जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में नंबर 1 नेशन है, उन्होंने हमारे साथ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का पार्टनरशिप अनाउंस किया है. तो ये जो
एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का एक बिग सिग्नल और एविडेंस और जो भी आपको कहना है इज हाउ वी हैव मूव्ड एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग एन इंपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजीज टू बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर्स इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट. अगेन मैं कुछ कहूं तो आप कहेंगे मेरा काम कहना है यह है द लीडिंग लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड टेक्नोलॉजी पैट गेल्सिंगर ऑफ इंटेल माइकल स्पेंस द नोबेल लॉरियट सेइंग द ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ रेजिम चेंज टुडे एंड टुडे इंडिया इज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बॉब स्टर्नफेल्ड ऑफ मैकिन्जी सेइंग इट इज नॉट इंडियाज डेकेड इट इज इंडियाज सेंचुरी उमर बिन सुल्तान अल ओलामा the minister for AI in the United Arab Emirates, he says the future of technology will have the Indian fingerprint everywhere. Main jaise maine kaha the multilateral agencies have recognized India's India stack and have lauded India and there's a lot of respect that India has got for that. Next. Main summarize karna chahta hu aaj ki From a digital and technology perspective, we are in the most exciting period in the history of modern India. ये मैं statement कोई rhetoric के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक fact है. In terms of technology, in terms of innovation, we are living in the most exciting period in the history of modern India, thanks to the effort and the decisive policy action by the Honorable Prime Minister over the last 9 years. Next. आपको अगर रिपोर्ट कार्ड हमें आप देंगे हमें या मैं आपको दूं दिस इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द लास्ट 9 years ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजनरी पॉलिसीज रेंजिंग फ्रॉम PLI टू AI टू सेमीकंडक्टर वी आर ऑन ट्रैक टू हिट अ ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी बाय 26 वी आर टूडे आज के दिन में जो मैन्युफैक्चरिंग के दुनिया में बदलाव आ रहा है और लोग चाइना का एक अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं भारत बन रहा है एक ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर फॉर मैन्युफैक्चरिंग वी आर सीइंग वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉब्स बीइंग क्रिएटेड इन मैन्युफैक्चरिंग $300 बिलियन के मैन्युफैक्चरिंग टारगेट है जैसे मैंने कहा 24 लाख 25 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग जहां पर 2014 में 1 लाख करोड़ से कम था 24 गुना इन लेस ऑलमोस्ट 10 years इन 1 decade And in the cutting edge of technology, we are in quantum, AI, and semicon as a nation as well. Just 2 examples of where we are in some of the cutting edge work. Recently, ISRO launched a set of satellites. Those are going to power a domestically designed chipset, the NavIC IC chip, that will in future power all the global positioning systems in our phones, in our cars, in our automobiles. So, ye. एक कटिंग एज डिवाइस यहां पे डिजाइन किया गया प्राइवेट सेक्टर और सरकार के बीच मिलकर डिजाइन किया गया डिवाइस है और ये एक तरह से इट इज दी कटिंग एज ऑफ वर्क डिजिटल इंडिया रिस्क 5 नेक्स्ट जेन चिप डिजाइन बहुत सारे चिप्स हम यहां पे डिजाइन कर रहे हैं और फैब के प्रोजेक्ट के बाद यहां बनाएंगे भी. नेक्स्ट आई जस्ट क्विकली समराइज ऑन दिस Not only are we creating investments, jobs, innovation, but Bharat Desh, ek tarah se hamare yuva shakti has become global talent pool for the world's digital ecosystem, and that is an emphasis that Prime Minister Modi ji has placed from the day one, and we continue to focus on that, and the results are there for all of you to see. Next slide. This is the result of 9 years of seva. 9 saal Prime Minister Modi ji ke sarkar ka digital ke space mein report card. Aur main hamesha kehta hu angrezi mein it is a report card that shows how far the country, its youth and its technology ecosystem has travelled from the lost decade days of 2014 and the Congress UPA. Thank you. आप लोगों के इस कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. हाँ जी. बहुत सारा एक कोशिश ये भी हुई है 9 साल की
देखिए, मैंने जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी कहा, आप जानते हैं कि पिछले काफी सालों से एक तरह से इंटरनेट में टॉक्सिसिटी, इलीगैलिटी, क्रिमिनलिटी, यूजर हार्म का ग्रोथ अनफेटर्ड सा रहा है। और इसका कारण यह है कि 2008 में जो आईटी एक्ट के अमेंडमेंट में सेक्शन 79 का प्रावधान बनाया गया था, उससे सभी बिग टेक प्लेटफॉर्म्स को एक तरह से इम्यूनिटी मिल गया था अगेंस्ट एनी लीगल चैलेंज, एनी लीगल एक्शन। दूसरा, आप जानते ही हैं कि लॉस्ट डेकेड में, और ये मैं फ्रेज रिपीटेडली यूज करूंगा क्योंकि मैं आई बिलीव दैट इट वॉज अ लॉस्ट डेकेड, इस लॉस्ट डेकेड में सरकार ने अपोज किया था कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। हमारे सरकार के दौरान प्राइवेसी वॉज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। हमने एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में हम लेके आए, वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बाद वो जो निकला वॉज इट हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ न्यू बिल हैज बीन फ्रेम्ड। और मैं आपको और आपसे, आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि यह बहुत जल्द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। डिजिटल इंडिया बिल के बारे में मैंने जो कहा है पहले इस मीटिंग, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वो आज भी उसका वैलिडिटी है कि उसका कंसल्टेशन इस महीने में शुरू होगा। इंडियन एक्सप्रेस से लीज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेट मी जस्ट रेस्पेक्टफुली करेक्ट यू। इन द टेक्स सेक्टर, इन द डिजिटल स्पेस, वी आर क्रिएटिंग जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स इन जॉब्स एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। एंड सो द कैरेक्टराइजेशन दैट देर इज नो जॉब बींग क्रिएटेड इन द टेक्नोलॉजी स्पेस इज रेस्पेक्टफुली इनकरेक्ट। इट इज एक्चुअली इट इज क्रिएटेड ऑलमोस्ट अ करोड़ ऑफ जॉब्स इन द लास्ट फोर ईयर्स, फाइव ईयर्स अलोन, नंबर वन। नंबर टू, AI, आई थिंक देर इज अ नरेटिव एंड सम मेलोड्रामा अराउंड AI, एंड देन देर इज अ रियालिटी। इट इज पॉसिबल दैट ओवर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स, टेन ईयर्स, दैट AI बिकम्स इंटेलिजेंट इनफ वेयर इट विल रिप्लेस जॉब्स। ये हो सकता है, हो सकता है, मीन्स हो सकता है। आज के दिन में AI is focused, is the application of AI is on tasks. It creates more efficiency. So the, of course, it, there is a possibility at very, very low levels of intelligence and repetitive tasking, it may replace jobs. But I can assure you that A, while AI is disruptive, we do not see in the next few years the so-called threat of it replacing jobs or removing jobs, because the current state of development of AI is that AI is very task oriented, not reasoning, logic, etc., and jobs usually have reasoning and logic, and AI is not sophisticated enough at this stage of its development, which is not to say that it will never happen. Ho sakta hai 5-8 saal mein. No, our view is that, look, like with everything else new, there will be a lot of debate, a lot of discussion. There was Sam Altman who came in last 2 days. And I think that itself is a sign that if one of the key figures in international AI looks at India and wants to do partnerships with India and sees India as a very, very promising space for AI, that itself is a good thing. However, our approach towards AI regulation, or indeed any regulation, is that we will regulate it through the prism of user harm. Mm-hmm.
सरकार का, और ये 2014 से शुरू हुआ है ये फिलॉसफी, जो पहले था नहीं, कि हम डिजिटल नागरिक को प्रोटेक्ट करेंगे, वो यूजर हार्म से प्रोटेक्ट करें या डिराइव्ड यूजर हार्म थ्रू टेक्नोलॉजी, हम यूजर हार्म को, यूजर्स को, डिजिटल नागरिक को हार्म पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म्स को यहां पर ऑपरेट करने नहीं देंगे, या वो अगर वो ऑपरेट करेंगे वो यूजर हार्म को मिटिगेट करके ही करेंगे. तो आवर अप्रोच टुवर्ड्स एआई रेगुलेशन इज फेयरली सिंपल. वी विल रेगुलेट एआई एज वी विल रेगुलेट वेब 3 और एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू एंश्योर दैट दे डू नॉट हार्म डिजिटल नागरिक. देखिए, हमने आप मेरे प्रेजेंटेशन में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे इंटरनेट में जो भी प्लेटफॉर्म्स हो, गेमिंग हो या सोशल मीडिया हो या न्यूज हो या जो भी हो, वो यूजर हार्म उनको क्रिएट करने का या उसका इंपैक्ट होना वो एक तरह से प्रोहिबिटेड है. और हम उसको यूजर हार्म क्रिएट करने के लिए किसी हालत में परमिट नहीं करेंगे. तो आपने देखा है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो हमने बहुत जल्द रूल्स लेकर आए हैं 3 महीने में, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेंगे ऑन 3 प्रिंसिपल्स, ऑन हार्म, ऑन एडिक्शन एंड ऑन बेटिंग. ये 3 क्राइटेरिया अगर किसी प्लेटफॉर्म ने दिखा दिया कि हमने एक या एक में से 3 में से 1 या 2, 3 में से 2 या 3 में से 3, वो प्लेटफॉर्म विल नॉट बी परमिटेड टू फंक्शन एंड विल नॉट बी अलाउड टू बी एक्सेसिंग आवर डिजिटल नागरिक. अरुण घंटा जी. लुक, आई सेल्डम रेस्पॉन्ड टू कांग्रेस एंटिक्स and news gathering tactics or attention gathering tactics, excepting to say they have a long history of trying to rewrite history, and they have a long track record of trying to shape what people think or hear based on what they believe the narrative ought to be, ranging from history of India to the Sengal that became a mysterious walking stick. तो ये तो वो करेंगे ही, मुझे कोई कंट्रोल नहीं है वो क्या करें वो क्या बोलें. लेकिन टू डिप्राइव द स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑफ इंडिया अबाउट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट द पीपल हु हैव मेड इंडिया व्हाट दे आर, इज आई थिंक डूइंग अ डिसर्विस टू द यंगर जनरेशन ऑफ इंडियंस. एंड इफ दैट्स व्हाट दे वांट टू डू, दैट्स व्हाट दे विल डू, एंड द पीपल ऑफ इंडिया विल रिस्पॉन्ड टू देम. छोड़िए ना, उनके नाम मैं यहाँ पे कुछ अच्छे बोलने के लिए आया हूँ, उनके बारे में क्यों बोलूं मैं आज. रविंद्र जी, जी न्यूज मैंने बोल दिया है, उसका तो मैंने रेस्पॉन्ड कर दिया है. क्या राय, क्या बोलूं मैं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये उनका एक तरह से नियत है, उनका डीएनए है कि दे वॉन्ट टू राइट ऑफ वॉट आउट ऑफ हिस्ट्री Whoever is not part of their dynasty. ये तो उनका एक तरह से एक रिपीटेड बिहेवियर है ना इनका. हेगदेवर जी के बारे में एक तो इरेज करना या गलत मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, एक तरह से इट इज डूइंग अ ह्यूज डिसर्विस. इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, द क्राइम अगेंस्ट द यूथ ऑफ इंडिया. मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि इनके कॉन्डक्ट का कोई there is no sense in what they say, there is no meaning in what they do. There is certainly aap sab observers hain, wo jo bolte hain, jo karte hain, unka koi mujhe nahi lagta koi interpret kar sakega ki kyon kar rahe hain ye aise bizarre type of anti people ways of censoring out the real history of India and trying to build everything around one grandfather, one grandmother, one son, one father, one sister. उनका प्रिज्म ऑफ हिस्ट्री इज लिमिटेड टू दैट. विनीत जी. भैया इसके बारे में कुछ पूछे ना.
बहुत मेहनत करके आया हूँ। 9 ईयर से पूछेगा तो बेहतर रहेगा। नाइन ईयर्स पर ही अगर आप सवाल रखेंगे तो बेहतर रहेगा। शेष विषयों पर तो है। अभिषेक जी, नहीं एक एकदम सही बात आपने कहा कि जैसे इंटरनेट का जो रीच और इंटरनेट के यूजर्स ग्रो हो रहे हैं, जैसे आप जानते ही हैं कि आज के दिन में 85 करोड़ लोग भारत में इंटरनेट को यूज करते हैं और 2025-26 में ये नंबर या आंकड़ा 120 करोड़ हो जाएगा। तो क्रिमिनलिटी और यूजर हार्म, हम इसको टेक्निकल फ्रेज यूजर हार्म कहते हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी भी आ जाता है, क्रिमिनलिटी भी आ जाता है, डॉक्सिंग भी आ जाता है वगैरह वगैरह, ये भी ऑन द राइज है। और हम वी आर सीज्ड ऑफ द मैटर और हम काफी हमने काम किया है इसमें, सर्ट को काफी मजबूत किया है। लेकिन आप इसमें एक कनंड्रम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टिल इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो यहां पर जो भी हम कैपेसिटी इंक्रीज करें, जब तक स्टेट में साइबर पुलिसिंग और साइबर क्राइम डिटेक्शन का कैपेसिटी ज्यादा न बढ़े, तो जिस स्टेट में साइबर सिक्योरिटी का साइबर पुलिसिंग का कैपेसिटी है वहां पर लोग डिजिटल नागरिक सुरक्षित रहेंगे या रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, जहां पर नहीं है वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। वही तो कह रहा हूँ, ये वही तो मैंने कहा। रविंद्र जी, जी न्यूज से। हाँ जी, देखिए ये एक डिबेट वाला इश्यू है ये, कि एनोनिमिटी जो आप कह रहे हैं ना, एनोनिमिटी को परमिट किया जाना चाहिए कि नहीं ऑन सोशल मीडिया। आज तक हमने मेंटेन किया है कि एनोनिमिटी को परमिट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से प्रिवेसी होता है, अगर किसी को विसिल ब्लो करना है वो एनोनिमस रहे। लेकिन इसको इसका बड़ा मिसयूज भी हो रहा है, क्योंकि काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर एनोनिमस यूजर्स मिस इन्फॉर्मेशन या डिलिबरेटली इनसाइटफुल कंटेंट डालते हैं, और जब लॉ एंड ऑर्डर या प्रोसिक्यूशन का एक प्रॉब्लम हो जाता है वो डिसअपीयर कर देगा। तो ये डिबेटेबल इश्यू है और हम इस पर बड़ा सेंसिटिवली डील कर रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमारे रूल्स में ट्रेसेबिलिटी का एक प्रावधान है, हमने डाला है मई 2021 में, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने डाला है, उसका इश्यू, वो इश्यू अभी कोर्ट्स में एडजुडिकेट हो रहा है। लेकिन मेरा सिंपल मानना यह है कि साइबर स्पेस ऐसा दुनिया ना हो जहां पे इलीगैलिटीज का कोई रिजल्ट ना हो, यानी कि देयर इज नो डेटरेंट टू इलीगैलिटी, ऐसा जगह होना नहीं चाहिए हम सब के लिए, 120 करोड़ भारतवासियों के लिए। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। कुमार गौरव जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री और वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एक्सेप्टिंग हमारा एक फ्रेमवर्क है देश में ट्रस्टेड सोर्स। ट्रस्टेड सोर्स का मतलब है इक्विपमेंट ट्रस्टेड इक्विपमेंट हो और सोर्स भी ट्रस्टेड सोर्स हो, वो कहीं से भी हो। तो ऐसा कोई चाइना स्पेसिफिक कोई हमारा पॉलिसी है नहीं, इट इज अगेंस्ट वन कंट्री और अनदर। बट ऑन दिस के फोन थिंग, मैंने जो अभी एक जो वॉट एवर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आई हैव गॉट फ्रॉम माई डिपार्टमेंट, इट इज की कोई जरूरत नहीं था इसका चाइना से इम्पोर्ट करने का। ये दिस इज अ डोमेस्टिकली अवेलेबल प्रोडक्ट और यहां पे इतने सारे प्लांट है जो फाइबर ऑप्टिक बनाते हैं, उसको चाइना से ही लेना क्या, वॉट ऑज द प्रेशर, वॉट ऑज द रीजन, वो ही बताएं। और इन्वेस्टिगेशन का जो सवाल है आप ही करें, अच्छा होगा।
No, I can tell you certainly on how much has been saved. If the total amount in DBT alone since 2014 is 29 lakh crores, this is a conservative number. Some people said it's as high as 35 lakh crores. And you apply the Rajiv Gandhi algebra to it of 85% leakage, you can do the math, no? 0.85 times 34 lakh crores is a lot of crores. I can't tell you because I don't have the numbers. The India stack has become a stack as a consequence of various departments, various ministries creating applications that sit on the Aadhaar identification stack layer. And that has now beautifully evolved into a stack. So it is not, I don't have the numbers with me. I certainly can, if you insist, go search the number. Kumar Gauron is 24. Lekin iska ye hai ki, because it is open source, and because it is customizable, it is an extremely inexpensive platform for all governments around the world who want to digitize, which is why we are doing this global DPI summit in Pune. देखिए विवाद नहीं है एक misunderstanding, like a lack of understanding है और इनको इसको थोड़े लोगों ने इसको conflate कर दिया है with suppression of free speech where it is nothing of the sort. There is no suppression of any free speech. As a matter of fact, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही ऐसा सरकार है जिन्होंने rules में डाला है under IT Act कि fundamental rights of Indian citizens can never be violated by any platform. हमने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वहां पे. तो ये हम देखेंगे, इसका थोड़ा कोर्ट चैलेंज भी है और हम हमारे एफिडेविट डाले हैं. बहुत सारे सवाल हो गए, मुझे लगता है कि अब लास्ट क्वेश्चन देना. अब आखिरी एक सवाल लेंगे. First of all, I hope you will accept and acknowledge that we have created a world-leading innovation ecosystem under Prime Minister Narendra Modi ji, which was not there prior to 2014. So I wanted to make that point because that is the reason I'm here. Dusra, dekhiye, Silicon Valley Bank ke baad, us implosion ke baad, aur jo America mein kafi sare banks ke liquidation ke baad ya insolvency ke baad, मैं पर्सनली जानता हूं कि काफी सारे स्टार्टअप्स जो डिपेंड करते थे ओवरसीज बैंकिंग सिस्टम में, दे यूज टू रजिस्टर देमसेल्व्स देयर, इनकॉर्पोरेट देमसेल्व्स देयर, हैव स्टार्टेड कमिंग बैक एंड लुकिंग बैक एट इंडिया. मैं जस्ट लास्ट पॉइंट, और एज समबडी हु हैज सीन टेक्नोलॉजी फॉर सेवरल डेकेड्स, आई कैन टेल यू दैट आज के दिन में द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी स्टार्टअप is India. And I will give you one telling example just for your information. Jim Keller is the architect, Tesla's chief AI architect. Tesla, you know Tesla and you know AI. He started two startups and he didn't start it up in Europe or Japan or Korea. He started it in Bengaluru, India. So ye ek tarah se trend ye hai ki Bharat mein hi startup incorporate ho. जो भी टैक्सेशन पर्पस के लिए कोई स्ट्रक्चरल करते हैं वो करते हैं, लेकिन जो काम होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है, ये आज इस 9 साल में भारत में हो रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, राजीव जी से फिर मौका मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद.